एवरीवन नमस्कार मैं हूँ निधि आप सबका वेलकम करती हूँ निधि किचन लाइफस्टाइल चैनल पे दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप और आपके परिवार वाले सारे सुरक्षित होंगे आज इस वीडियो में मैं बहुत ही बेहतरीन रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों ये जो रेमेडी है ना ये आपके बालों के लिए रामबाण का, का काम करने वाला है जी हाँ दोस्तों आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाएगा साथ ही साथ हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा सफेद हुए बालों को धीरे धीरे जड़ से ब्लैक में चेंज कर देगा दोस्तों ये जो रेमेडी है ना अगर आप एक बार इस्तेमाल करने लगेंगे ना तो आप इसके दीवाने बनने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं इस रेमेडी को बनाना कैसे है इसे कैसे अप्लाई करना है सारा कुछ मैं वीडियो में डिटेल में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तो वीडियो को अंत तक देखिएगा वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा पहली बार चैनल पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पास ही दिखेगा एक छोटा सा बेल बटन उसे दबाना न भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहेगी तो चलिए देख लेते हैं लेट्स गो तो दोस्तों सबसे पहले आपको ले लेना आयरन वेसल यानी कि लोहे का बर्तन और मैं यहाँ फर्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ हीना पाउडर यानी कि मेहंदी पाउडर आप नुपुर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेहा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब 100 परसेंट केमिकल फ्री होती है तो दोस्तों हीना पाउडर हमें अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ऐड ऑन करना है तो मैं यहाँ पे चार बड़े चम्मच ऐड ऑन कर रही हूँ हीना पाउडर दोस्तों हीना यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट है मेहंदी यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट है बट इसमें मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड करूँगी जो कि इसे बहुत ज़्यादा इन्हस करने वाला है बहुत ही प्यारा सा डार्क कलर आपके बालों पर रिलीज़ करेगा तो मैं यहाँ पर ऐड ऑन करूँगी हिबिस्कस पाउडर ये ईजली मार्केट में मिलता है अगर आपको नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर आप गुड़हल का फूल ले लें रेड कलर वाली और उसे आपको थोड़ा सा पानी डाल के मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेना है एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी कर लेना है और यहाँ पे ऐड ऑन करना है अगर नहीं अगर आपको अवेलेबल हो जाता है ना हिबिस्कस पाउडर तो आपको दो बड़े चम्मच यहाँ पे ऐड ऑन करना है और उसके बाद ऐड करना है एक चम्मच इतना कॉफ़ी पाउडर जो कि हमारे बालों को सिल्की एंड शायनी बनाएगा साथ ही साथ बालों में एक डार्क पक्का कलर लेके आता है बहुत दिन तक ये कलर हमारे बालों पर टिका रहता है इन सबको अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है दोस्तों इसके बाद जो ये जो हम लिक्विड एड ऑन कर रहे हैं ना ये है आंवला जूस ये आपको ईजिली मार्केट में मिल जाएगा आप चाहे तो पतंजलि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे हमें इस मिक्सचर को इस पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है दोस्तों अगर आपको ईजिली अवेलेबल नहीं होता है आपके पास आंवला पाउडर है तो आप इसकी जगह पे आंवला पाउडर ऐड कर दो और हल्का गुनगुना पानी यहाँ पर ऐड ऑन करें और इसे अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करके पानी और यह आंवला जूस आपको मिक्स करना है और एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है एक बार में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी या आंवला जूस नहीं ऐड करना है तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ अब एक स्टेप और फॉलो करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर इसको मैं रख दी हूँ गैस पे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हमें पकाना है एक मिनट के लिए ताकि बहुत ही अच्छा सा कलर रिलीज़ हो जाए इसके बाद इसे हम रख देंगे आधे घंटे के लिए आधे घंटे के बाद अपने बालों पर अप्लाई कर लें एक घंटे रहने दें उसके बाद आपको अपने बालों को एक घंटे तक रहने देना है फिर धो लेना है और अच्छी तरह से इसमें ऑयलिंग करनी है नेक्स्ट डे आपको शैम्पू करना है थैंक यू हैव ए नाइस डे